दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ कार्ड्स के यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं, और आप मेरे मोबाइल के भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया है जिसका कुछ स्टेप कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और कुछ स्टेप जो है वो बाकी है। देखिए, काफ़ी लोगों का कमेंट है कि मेहता भाई आपने रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट वाली जो वीडियो बनाया था क्रेडिट कार्ड की, काफ़ी लोगों को मिला यार, होगा मिला होगा, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट है कि मेहता भाई हमें नहीं मिला यार, हम घर पे रहते हैं, पढ़ते स्टडी करते हैं, यानी कि हमें नहीं है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद में एक हफ्ते के अंदर में अगर आपके घर पे क्रेडिट कार्ड नहीं आया, मैं रूबरू आपके सामने ही हूँ आप समझ लीजिए, तो आप मेरे किसी भी नई वीडियो में या किसी भी वीडियो में आकर के आप मुझे अपने मतलब मन में जो आए वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, बोल सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी इसके ऊपर भी आप बोल सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ भी और भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे पोस्ट पे का जो यहाँ पे एक कार्ड है, पोस्ट पे का भी कार्ड है मेरे पास, चलिए इसे भी यहाँ पर रखता हूँ। एक यहाँ पे मेरे पास, इससे मैं थोड़ा सा ढक करके दिखाऊँ भाई, ये देखिए मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे मेरे पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चलो इसे भी मैं रखता हूँ। यहाँ पे मुझे देख लो, यहाँ पे मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, चलिए इसे भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड है, इसे भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। रिसेंटली मैंने एक और क्रेडिट कार्ड मंगाया था जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आपको, मतलब कि दो क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, एक मेरे फैमिली में किसी के लिए, और यहाँ पे ये देखिए अभी मैं निकाला भी नहीं हूँ, यहाँ पे भी आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, और आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाया था एक यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिखाया, यानी कि दो क्रेडिट कार्ड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड है। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, शुरू करने से पहले वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल के आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप जो अपने नेट के हिसाब से जरूरत के हिसाब से वीडियो को देख सके। देखिए फाइनली मैं यहाँ पे जो लोन, यहाँ पे जो एप्लीकेशन में जो आप देख पा रहे हो कि मैंने जो क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया है, एक्चुअली ये डेट जो है वो यहाँ पे 21 अप्रैल है। अब 21 अप्रैल और अभी चल रहा है कुछ और डेट, तो आप कहोगे यार ये तो आज का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब ये अप्लाई किया था कम से कम 11 से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मैं लोगों के लिए अप्लाई किया और खुद के लिए भी किया, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली ये क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप कंप्लीट है, आपको क्रेडिट कार्ड से नीड है तो इस डेट को भाई आप भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसे करो, क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आएगा गारंटी के साथ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पे कैसे समझाऊँ आपको बढ़िया से समझ में आए, चलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको कितना लिमिट का क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2000, 5000, 15000, 60000। मोर प्लान पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब प्लान का नाम सुन के आप सोच रहे ये क्या यार प्लान, प्लान मीन्स मतलब, मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये है एक पैसा बाजार .com एप्लीकेशन, समझ रहे हो, और यहाँ पे ये कितना का लिमिट चाहिए उतना का लिमिट आपको मिलेगा। डबल फायदा है यहाँ पे आप अगर क्रेडिट कार्ड यहाँ से लेते हो तो, 55000 रुपये का आपको मान के चलो लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, आपको दिखा दूँ, आप अपने मर्जी से अपनी लिमिट की क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, वो भी लाइफ टाइम फ्री, नो मतलब एनुअल चार्ज, नो ज्वाइनिंग फी। अगर 2000 से ऊपर अगर आप रहते हो तो, 2000 रुपये से ऊपर अगर ऊपर का बजट अमाउंट अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे किसी तरह से कोई भी एनुअल ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं देना है। अब ये 2000 रुपये क्या है, तो ये आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, जैसे हम बैंक में करते हैं FD, यहाँ पे आपको FD करना है, तो कुछ टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे पेमेंट करना है, राइट। आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट आपकी आंखों के सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और 1 वीक के अंदर अंदर में आपको फिजिकल कार्ड इस तरह से आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। साथ में जो आपने 2000 रुपये जो FD किया है इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी आप यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्कुल बैग आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा FD के ऊपर में, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा, और जितना भी अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करोगे उतना ही लिमिट आपको आपके क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलेगा। मतलब कि 15000 रुपये अगर आपने लिमिट लिया है तो 15000 रुपये आपके डिस्प्ले पे भी दिखेगा, किस पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी, जो भी आप कहीं मर्जी वहाँ स्पेंड करेंगे सेम ऐसे क्रेडिट कार्ड अमाउंट उसे बिल पेमेंट रिटर्न करेंगे, और उधर पीछे में आप जो FD करोगे उसका 6% का रिटर्न भी मिलेगा। इससे बेटर और कोई भी नहीं हो सकता है,
यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एफडी के ऊपर डिपेंड है, चाहे तो आप 2,000 रुपये का भी यहाँ पे डिपॉजिट करके, डिपॉजिट मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया, नीचे 2,000 रुपये पे क्लिक करके भी आप ले सकते हो, लेकिन इसमें 200 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी लगेंगे। लेकिन अगर 5,000 रुपये पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको किस तरह से कोई भी यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो नहीं लगेगा, साथ में आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो 5,000 रुपये का मिलेगा और इंस्टेंट आपको यहाँ पे देख लीजिए क्रेडिट कार्ड विल बी डिलीवर्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड विल बी डिलीवर्ड इन 5 to 7 days के अंदर में, मतलब आपके घर पे चला जाएगा। नो क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड, मतलब सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी, आप अपने मर्जी से यहाँ पे लिमिट ले सकते हो और आपके घर पे क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। इससे बेटर और कोई भी नहीं है। अगर आपका कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं हो, सैलरीड पर्सन नहीं हो, तो क्रेडिट कार्ड भैया आपको नहीं मिल सकता है, समझ रहे हो। यही एक चांस है कि आप यहाँ पे एफडी करके अपने क्रेडिट कार्ड को अपने घर पे मंगा सकते हो। कुछ डाउट है तो आप मुझे मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया का सबसे टॉप क्रेडिट कार्ड के लिस्ट भी दिया है। अगर आपके पास इनकम का सोर्सेस है तो आप जो है अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक के मतलब एटीएम से विड्रॉल भी कर सकते हो, और भी 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में। ऐसे कोई और क्रेडिट नहीं देता है, कोई और क्रेडिट कार्ड, कुछ ही क्रेडिट कार्ड इंडिया में है चुनिंदा, वो देते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। बाकी हज़ारों वीडियो आप यूट्यूब पे देख लो भैया, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपका इनकम सोर्सेज बैंक स्टेटमेंट अगर आपका बेटर नहीं है, अगर आपके पास आईटीआर फाइल नहीं है, या आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो नहीं मिलेगा। टाइम बेकार करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसे अप्लाई कर लीजिए, लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उसे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने लिमिट को आप इमरजेंसी टाइम में एटीएम से विड्रॉल करेंगे तो भी 0% इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ मन में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 18 साल प्लस एज होना चाहिए, 21 साल है तो बहुत ही बेस्ट है। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।